बम्बई जी, आप बसों परंपरा का खिलाफ काम कर रहे हैं। आप अमीर लोगों के साथ है, हमारे गरीब लोगों के साथ नहीं है। हमारे पूरा देश का सत्ता जो संपत्ति लेकर अदानी अंबानी को देते हैं, जब लोग टैक्स दिए हैं वो लोग आकर उनका मांग रखते हैं और उनको लाठीचार्ज करते हैं। महिला घर में भी फुकट में काम करना और बाहर भी फुकट में काम करना, ये गवर्नमेंट क्या किया? बीजेपी गवर्नमेंट उनको उनका प्रॉब्लम सुनाने के लिए उधर गए थे, उनका प्रॉब्लम सुनने के बजाय लाठीचार्ज करें। This video present by Raidan Multi Cuisine Restaurant, variety of traditional foods, Arabian, Turkish, Middle East, grand interior, genuine spices, hygienic kitchen, address Tipu Sultan Chowk, Ring Road, Gulbarg. Midday meal workers पूरे कर्नाटक में स्ट्राइक कर रहे हैं कि उनका डिमांड ये था कि उन्हों जिंदगी भर पूरा बच्चों को खाना खिला के पका के उन्हों जिंदगी पूरा वहाँ डाले हैं, मगर जब उनको रिटायरमेंट होता 60 साल होता तब उनको खाली हाथ उनको घर भेजते हैं, एक पैसा नहीं देते। ये कहाँ की बात है? महिला घर में भी फुकट में काम करना और बाहर भी फुकट में काम करना, ये बहुत गलत है। इसीलिए CITU अक्षर दासो जो एम्प्लॉयज का यूनियन है, उन्होंने कहा था गवर्नमेंट को कि महिलाओं को खाली हाथ नहीं भेजना, उनको करीबन 1,00,000 उनको पैसा देकर भेजना। उनको कन्नड़ में कहता है ईडी गंटू, एक बजट रहता है, एक पैकेज रहता है, 1,00,000 रुपया देकर उनको भेजना। मगर गवर्नमेंट जब बजट उन्होंने मंडन करे उसमें तो 1,000 रुपया ज़्यादा करे रेमुनरेशन, वो आज का जो प्राइस राइज है जितना भी है ना बढ़ गया है उसका वो इक्वल नहीं है, बहुत कम है। वैसे तो ये जो मिड डे मील वर्कर्स है उनको परमानेंट करना, क्योंकि उनके ऊपर क्या है, स्कूल में बच्चे खाना खाते हैं उनका जिंदगी होता है, ये बहुत बड़ा अच्छा स्कीम है। मगर जब वो स्कीम लोगों को उसका फायदा मिलना है तो एम्प्लॉयमेंट को एम्प्लॉय को परमानेंट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, मगर नहीं करें। 3 दिन उन्होंने बेंगलोर में स्ट्राइक करे, ये गवर्नमेंट क्या किया? बीजेपी गवर्नमेंट उनको उनका प्रॉब्लम सुनाने के लिए उधर गए थे, उनका प्रॉब्लम सुनने के बजाय लाठीचार्ज करे, अरेस्ट करे, उनके ऊपर केस डाले, ये कहाँ का गवर्नमेंट है? बीजेपी गवर्नमेंट हमारे पूरा देश का सत्ता जो संपत्ति लेकर अदानी अंबानी को देते हैं, जब लोग टैक्स दिए हैं वो लोग आकर उनका मांग रखते हैं और उनको लाठीचार्ज करते हैं, उनको अरेस्ट करते हैं। हम बसवराज बोम्मई को कहते हैं, बोम्मई जी आप बसों परंपरा का खिलाफ काम कर रहे हैं, आप अमीर लोगों के साथ है, हमारे गरीब लोगों के साथ नहीं है। हमारे आंगनवाड़ी महिला 10 दिन स्ट्राइक करे, उसके बाद क्या करे? आप ग्रेचुटी तो दिए वो स्ट्राइक करने के बाद, मगर वो ग्रेचुटी में आप भी बोले कि वो फ्यूचर से लागू होता, सुप्रीम कोर्ट तो ग्रेचुटी देना कहते, आप सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका उल्लंघन करे हैं। जितने भी आंगनवाड़ी महिला रिटायर्ड हो गए पहले से, उनको ग्रेचुटी मिलना उनका डिमांड है। वैसा हमारे अक्षर दासों का लोग है, उनको भी ग्रेचुटी मिलना और उनको जो 1,00,000 रुपया देना वो सब उनका डिमांड है। ये और एक काम करे, ये देखो जो हेडमास्टर्स रहते हैं जो खाना जो पकाते हैं ना वो सब्जी लाते हैं क्या? ऊपर जो बैठे वो लाते क्या? वो नहीं, उनको है ना बच्चों को पढ़ाना लिखाना वो करना। मगर अभी SDMC के साथ हेडमास्टर के ज्वाइंट करके कि पैसा रखे हैं जो सब्जी ये वो लाते हैं, हम कहते हैं ये लोग वहाँ जाके उनके सामने हाथ फैलाना, इनके सामने हाथ फैलाना, पैसा दे दो बाद में सब्जी लाते, वो कितना सब्जी लाते उतना इन्हों डालते, हम कहते हैं गलत है। ये हमारी जो अक्षर दासों महिला है इनका और SDMC इनके अकाउंट हेडमास्टर के साथ इनका अकाउंट ज्वाइंट करना SDMC का नहीं है, वो जो आते जाते हैं ये गलत है, और इनके जो सब्जी लाने का वो सब कुछ है इनके हाथ में रहना, ये हमने आज आग्रह कर रहे हैं। हम क्या आज होराटा कर रहे हैं ना, ये अक्षर दासों वालों को क्या करे राज्य सरकार में बजट में 1,000 रुपये बोलकर ज़्यादा करे, लेकिन हम होराटा करे 3 दिन से वहाँ बेंगलोर में बैठ के बोले तो वहाँ हमारे को इडिगंटू बोल के बोले हम उस आदेश में, लेकिन उन नहीं दिए हमारे को, वो बजट में बोलना था 1,00,000 रुपये बोलकर, हम बजट में बोलना बोलकर एक आदेश लेटर दिए उनको,
लेकिन उन उसमें बजट में कुछ भी हमारे को नहीं दिए, 1000 बोलकर एक करे, लेकिन हमारे को वो नहीं चाहिए। हमारे को हम 60 इयर्स ओले हो गए बोलकर हमको निकले ना, इसके से एक लाख रुपए देना इड घंटू बोलकर हम आज फिर से एक बार बोलो राज्य सरकार से क्या हमारा ये है वो हमारे को आदेश आज देना। उन नहीं दिया तो हम अभी जोर से हम सही करने को अभी एक लेख है वो राज्य से आना आदेश। आज हम आए यहाँ जिला पंचायत के सामने बोलकर क्या करें हम, शिक्षण इलाके वालों को भी एक लेटर दे रहे हैं यहाँ से सीईओ से इधर से, फिर मुख्यमंत्री को एक लेटर देते हैं हम, इधर से ही जाना, इधर से डिमांड पास उधर होना हमारे, नहीं हो तो हम अभी ज्यादा होराटा करने को। ये क्या है लोग कम है, अभी ज्यादा आते आगे हम सही करना है तो अभी लोग बहुत ज्यादा आते। और अब हमारा हेड कुक का और एचएम का एक जेंटी खाते था वो भी क्या करे आज गवर्नमेंट, वो भी हमारे हाथ से निकाल लिए, वो भी आदेश ये करे हमारे को एसडीएम से और एचएम बोलकर आदेश पास करे, वो अब वापस लेना उन नहीं लिए ना, फिर हम जोर से अभी होराटा करने को मजबूर है। आपका नाम मैडम? विजय लक्ष्मी हिरेमर, जिला अध्यक्ष।